जॉगिंग करते समय एक लड़की एक असामान्य मशीन को देखती है जो भविष्यवाणियां करती है, जिसे डेथ मशीन कहा जाता है। मशीन सभी को भविष्य में अपनी मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए एक विशेष छेद में अपनी उंगली डालने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन लड़की उंगली के काट दिए जाने की संभावना से भयभीत है, लेकिन जिज्ञासा अंत में जीत जाती है। वह मशीन में एक सिक्का डालती है और फिर ध्यान से अपनी उंगली छेद में डालती है, फिर मौत की मशीन को शुरू करती है। मशीन लड़की की उंगली को छेदता है और उसके खून के नमूने का उपयोग करके कागज का एक टुकड़ा बनाता है। लड़की परिणाम देखती है और वही ये जानकर खुश हो जाती है कि वह वृद्धावस्था से मरेगी, जिसके बाद वह बेफिक्र होकर अपनी दौड़ जारी रखती है। लेकिन जब वह सड़क पार कर रही होती है, तभी वह एक कार से टकराकर मारी जाती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति गाड़ी चला रहे हैं। रानी लड़की वास्तव में वृद्धावस्था से ही मरी है, जैसा कि मौत की मशीन ने बताया था। फिर वो वृद्धावस्था चाहे किसी की भी क्यों ना हो। हम अगले शिकार को टेनिस कोर्ट में देखते हैं। मौत की मशीन ने पैराशूट फेलियर के कारण उसके मृत्यु की भविष्यवाणी की है। इस बारे में सोच सोच के टेनिस के दौरान आदमी पागल होता जा रहा है, क्योंकि वीकेंड के दिन वह प्लेन से पैराशूट के साथ कूदने वाला है। इसलिए वह अपने दोस्तों से पूछने का फैसला करता है कि क्या उन्होंने डेथ मशीन के बारे में कुछ सुना है। लेकिन इससे पहले कि वह अपना प्रश्न पूरा कर पाता, उसके ऊपर से एक पैराशूटिस्ट जिसका पैराशूट विफल हो जाता है, वो उस पर गिर जाता है। तो अब तो लड़के के दोस्तों को डेथ मशीन के बारे में जरूर पता चल जाएगा। मौत की मशीन फिर से एक सटीक भविष्यवाणी देती है, इसलिए कहते हैं फ्लैश की रफ्तार, बाजीराव की तलवार और डेथ मशीन की प्रेडिक्शन पे नहीं किया करते, क्योंकि उसकी डेथ तो पैराशूट फेलियर से ही हुई है, फिर वो पैराशूट किसी की भी हो। एक युवक को डेथ मशीन से एक असामान्य परिणाम मिलता है, वह एक हॉट लड़की के कारण मरेगा। मौत के इतने मजेदार कारण के बावजूद भी लड़का बेहद सावधान रहने का फैसला करता है। बीच पर एक हॉट फिगर वाली सुंदर सेक्सी मनमोहिनी कन्या उसके बगल में आके बैठती है। वह उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का भविष्यवाणी को याद करते हुए उस पर ध्यान न देने का फैसला करता है। लड़की लड़के से उसकी पीठ पर सनस्क्रीन लगाने के लिए कहती है, लेकिन लड़का अपनी सारी इच्छा को एक मुट्ठी में इकट्ठा करते हुए वह उस हॉट सुंदर लड़की को उससे दूर रहने के लिए कहता है। और प्रलोभन से बचने के लिए लड़का बीच को छोड़ने का फैसला करता है, जिस पर लड़की हैरानी के साथ उससे कहती है कि उसे काट नहीं लेगी। बेचारा कुवारा उस हॉट सुंदर लड़की को भविष्यवाणी के बारे में बताने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, भविष्यवाणी सत्य हो जाती है। एक जलती हुई लड़की आग बुझाने के लिए समुद्र की ओर दौड़े जा रही थी, लेकिन वह उस लड़के से टकरा जाती है और वे एक साथ आग की लपटों में जल जाते हैं। इसलिए कहते हैं चलती हुई बस और ट्रेन एवं दौड़ती हुई लड़की के सामने नहीं आया करते। अगला कैरेक्टर उसकी मृत्यु के कारण से बहुत खुश है। मशीन ने भविष्यवाणी की है कि वह टाइम ट्रैवल करने के कारण मरेगी। से वो लड़की पूरी तरह से इसी सोच में डूबी हुई है कि उसकी मृत्यु किस काल और किस स्थान पर होगी। अपने इस व्यवहार से लड़की अपने दोस्त को बहुत गुस्सा दिला देती है, जो उसके साथ सोने एवं लड़कों और महिलाओं की समस्याओं के बारे में गपशप करने के लिए आई थी। लड़की और उसकी भविष्य में मौत की इच्छाओं पे विराम लगाने के लिए वह उसे एक अलार्म क्लॉक फेंक के मारती है, जिसके वजह से वह बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। लड़की मरती तो नहीं है, लेकिन घड़ी से चोट की वजह से वह समय में पीछे चली जाती है। वह अतीत में एक युद्ध के ठीक बीच में टेलीपोर्ट हो जाती है और एक स्क्वाड फायरिंग के दौरान मारी जाती है। अंतिम कैरेक्टर को भविष्यवाणी मिलती है कि वह एक भालू के हाथों मारा जाएगा। अब वह हर उस चीज से डरता है जो इस जानवर से जुड़ी हुई है। ऑफिस में वह अपनी चाय में शहद नहीं मिलाता, क्योंकि वह भालू के आकार वाले जार में होता है। घर पर आदमी रेफ्रिजरेटर खोलने तक से डरता है, क्योंकि उसे डर है कि एक भालू उसके अंदर से निकल के उस पर हमला कर देगा। उसकी पत्नी उसे उस कैंपिंग ट्रिप की याद दिलाती है जो उन्होंने कल के लिए प्लान कर रखा है। वो घर पर रहना चाहता है, लेकिन अपनी पत्नी की प्यार भरी निगाहों को मना नहीं कर पाता। घबराया हुआ उसने नोटिस किया कि उसकी पत्नी गमी बियर खा रही है और महसूस करता है कि भालू के विचार हर जगह उसका पीछा कर रहे हैं। जंगल के रास्ते में पत्नी उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि डेथ मशीन सिर्फ एक काल्पनिक बात है, लेकिन इससे उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। और जब वे घने जंगल से गुजर रहे होते हैं तो वह डर के मारे चारों ओर देखता रहता है। टेंट लगाने के बाद उसे चीजों के बीच एक कुल्हाड़ी मिलती है। उसके बाद वह हर वक्त उस हथियार को अपने पास रखे रहता है और भालू के भय के कारण पूरी रात कुल्हाड़ी को अपने पास लेके जागे रहता है। सुबह जब वह बाहर निकलता है तो महसूस करता है कि कुछ भी भयानक नहीं हुआ है और भालू कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। इसलिए वह कुल्हाड़ी को जमीन पर फेंक देता है और ऑफिस में पूरी तरह निश्चिंत होकर खुशी खुशी अपनी चाय में शहद मिलाता है। तभी एक कलीग उसके पास आता है और उससे पूछता है कि उसने अपना वीकेंड कैसे गुजारा। तो वह उत्साह से बात करना शुरू करता है, लेकिन अचानक कछुए से एक भालू निकल के उस पर हमला कर देता है और बेचारा भालू के पंजों से मारा जाता है। अब उसे पछतावा हो रहा है कि उसने कुल्हाड़ी क्यों फेंक दी थी। इसलिए कहते हैं खाना वेस्ट मत करो वरना डस्टबिन से भालू निकल आएगा।